वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हैजे से होंगे। तो बस अभी आज रात का फंक्शन है, रात को बहुत थक गया था। मैंने अभी तक मेहंदी का ब्लॉग नहीं पोस्ट किया क्योंकि मेरे पास थमने लगी थी लेकिन अभी उसके बाद अब ये कि बस अभी निकलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर। इसे कहते हैं इन्होंने सब कुछ किया। ये देखिए यहाँ से दूल्हा दुल्हन आएंगे इन वक्त ही, तो अभी आपका भाई जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो यहाँ से जाके मैं बैठूँगा स्टेज पे, स्टेज पे मेरा साइन भी मिस। ये मेरा डी पूरा बना हुआ है 600 वॉट पावर के साथ। मैं व्यू दिखाऊंगा सारा कुछ इस लेके जेड तक सब कुछ रेडी। अच्छा कल हम इस वाले टेबल पे बैठे थे। इस मार्केट का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मीरपुर में कभी कोई शादी शादी हुई हो तो मीरपुर में आके इधर मार्केट का नाम, ये मार्केट का नाम है, ठीक है, इस मैरिज हॉल का। तो मीरपुर में ये मोड़ कौन सा है? तो यहाँ लक्का सिंगा के मोड़ पे ये बना हुआ है। जब कभी कोई शादी वगैरह हुई इस मार्केट में आना, माशा से बहुत खूबसूरत मार्केट है। हमारे साथ ये आप कटिंग के काम करते हैं ना, जाता किसी का जितने भी लोग जाता है देख रहे हैं इनके शॉप पे लाती है ना, शॉप नाम रियाज एंड फियाज, रियाज एंड फियाज। ओके मिलते हैं आपसे। मेहंदी पे आई कोई नहीं, ठीक है, बरात पे आ गए हैं तो कोई नहीं। आपकी तबीयत बड़ा ख़राब थी लेकिन काफ़ी अच्छे भाई हैं ये। इनका भी चैनल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का हैंडल, ओके, हैंडल भी मैं इनका दे दूंगा। उसके बाद एक वो है हमजा बास, उनके चैनल का भी हैंडल मैं दे दूँगा, ठीक है, उनके आप चेक कर लेना। ये नाथवान है, नाते वगैरह भी पढ़ते हैं, और जो हमजा बास हैं वो यूट्यूब वगैरह करते हैं न्यूजीलैंड स्पेन पेरिस बाहर के लोग, उनके लिए वो तो इसी में अब निकलते हैं, थोड़ा सा अब देखते हैं, थोड़ा कोई ब्लॉग से थोड़ा बना लेते हैं। अब मीरपुर का एक बेटर, ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से मीरपुर का एक बहुत मजे का व्यू बताता हूँ।
जब मैं पोस्ट करूंगा ये ब्रो ब्रो इस लाख को लाइक करें जितना चाहिए, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से शेयर करें। अच्छा जितने लोग मेरी तरफ व्लॉग देखेगा ना शायद जूते मारेंगे। तो देखिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह चीज होती है, ठीक है। आपको एक दफा इसका नशा लग जाए ना तो कोई जिंदगी आपके नशा नहीं हो जाए। एक दफा धुआं अंदर करते हो आपका बार बार दिल करता है उसको पीने का, इसलिए मैं इस बात पे अमल करें, ठीक है। सिगरेट तंबाकू नशे से ग्रेस करें, ठीक है। आप जितना इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो यार यहाँ पे गाड़ियाँ चेक करें, ऑटोमेटिक ये जापानी वैन्स हैं, ये लड़की वालों की तरफ से मैं वहाँ पे ना चले। अच्छा वेल ये कि जब कभी मैं मीरपुर आता हूँ ना तो एक अजीब सी खुशी होती है कि देखो इतने पहाड़े देख के खुली खुली हम आए थे वहाँ कश्मीर वाली साइड पे, ऐसे ऐसे कोने जितनी पानी पहाड़ी होती है जहाँ पे चढ़ने भी नहीं होता, चढ़ भी जाओ तो गिर गए तो गेम ओवर। आगे बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग भी थे जो मुझे जानते थे, जिन जो कुछ हैं जो मेरे दो तीन हैं फैंस जो ब्लॉग में देखते थे, पता नहीं पाकर मुझे मिले हैं। तो मुझे उनसे वैसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि कोई मेरे इतने ब्लॉग गोर्स देखता होगा, लेकिन वो दो कहते हैं कि उनको मैं ब्लॉग में नहीं लेके आ सकता क्योंकि उन्होंने मना किया, उनके घर वाले इस बात पे थोड़ा सा मतलब उठाएंगे। तो एक हमारे फ्रेंड ये भी हैं, ये AHD ब्लॉगर हैं, जो दो लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया था, ठीक है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा किस वजह से पकड़ा था, कि क्या सीन हो गया था जिस वजह से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं आपको मिस्ट्री ज़रा बताऊंगा थोड़ी देर बाद, मैं ब्लॉग बोलते तो बड़ा माय लवर आप इसकी लुक चेक करें यार। मैं कहता हूँ इससे मजे की गाड़ी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसकी इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन होती है, पसंद है। और ज़िंदगी में इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी इसको खरीदूँगा ज़रूर, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका एक क्रेजी शॉट आगे फॉरवर्ड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली आज मैं तो एक काले कपड़े वाली लड़की है उसके रंग पटाखे फोड़ रहा हूँ ताकि नजर उतरे उसकी। और बीरपुर का मैंने व्यू फर्स्ट टाइम किया है, बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली स्पार्की के सामने देखो ना बहुत ही एरिया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लोग हैं। और जिससे भी मिला हूँ बिल्कुल एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैं पहली मतलब ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है फैज साहब। आई लव यू इनके आई लव यू टू ब्रो, ठीक है हसन भाई, मिलते हैं आपसे। हुसैन साहब हैं, हुसैन DC, ठीक है, चले के लिए घूम फिरते हैं। ये हमारे हसन भाई हैं जी, ये हमारे हमजा भाई हैं, ठीक है। आप हसन भाई आपको कैसे लगे इधर आके? ठीक ही था यार, ठीक ही था। अच्छा सिर्फ ठीक था, हम सारे कैसे लगे हैं? अब सब भी ठीक हो सारे। ऐसे नहीं होता ना, जब ठीक से कुछ नहीं होता, बंदा अच्छी अच्छी बात करता है। बस इसी से ब्लॉग एंड करता हूँ मैं, क्योंकि तो लड़कियों ने पटाखे चुके फाड़ फाड़ के हालत ढीला कर दिया है। तो इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं फिर कैसे में यकम तक चला जाऊँ गफराबाद वापसी के, कुछ काम ऐसा पड़ गया है, उसके बाद मुश्किल है कि आप लोगों को कोई ब्लॉग मिले, तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना अगर ना मिला तो बहुत बहुत माजर। इंशाल्लाह आपका भाई अब एक नए ब्लॉग के साथ आएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। मीरपुर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। मीरपुर वालों बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, मुझे वाले है तो अपना ही शहर है लेकिन बहुत सब प्यार दिया है आप सब लोगों ने मुझे वैसे इस चीज़ पर उम्मीद नहीं थी। हाँ कुछ बीच में होते रहे हैं, कुछ बातें शातें हो जाती थी, इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं फिर मीरपुर वालों ज़िंदगी दी, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब परसों, अब कुछ नहीं तो मैं ब्लॉग नहीं आएगा इंशाल्लाह। मीरपुर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।